हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2011 में आई एक सबसे अलग लव स्टोरी द एडजस्टमेंट ब्यूरो को। आप लोगों को लगेगा लव स्टोरी का ये कैसा नाम है, लेकिन यकीन मानिए ये नाम इस मूवी के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इस मूवी में लवर्स को और कोई नहीं बल्कि खुद भगवान अलग करना चाहते है। ये कम्प्लीटली फिक्शनल कहानी है, इसीलिए आप इसे पर्सनली बिल्कुल ना ले, इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखे। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, साथ ही ऑडियंस ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम डेविड नॉरिस को देखते हैं। डेविड सेनेटर के इलेक्शन में खड़ा था, उसका इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, लोग उसे काफी पसंद करते हैं, साथ ही वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे चल रहा था। उसका दोस्त और कैंपेन मैनेजर चार्ली बताता है वो 10 पॉइंट आगे है। एक पब्लिक स्पीच के दौरान हम कैप पहने एक आदमी को देखते है जिसे डेविड की स्पीच काफी पसंद आ रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक सुबह न्यूज़पेपर में डेविड की एक फोटो छपती है जहां एक बार में वो मस्ती कर रहा था। फिर हम आदमी को देखते हैं जो डेविड के स्पीच के समय भी था, उसे फोन करके कोई कुछ करने बोल रहा था। दूसरी तरफ डेविड निराश अपने घर आता है, वही दूसरी बिल्डिंग पर से कुछ लोग उसे देख रहे थे। डेविड न्यूज देख रहा था जिससे पता चलता है कुछ हफ्ते पहले वो न्यूज छपने से उसके पॉइंट बहुत कम हो गए है। दरअसल वो फोटो डेविड के कॉम्पिटिटर ने छपवाई थी जिससे उसके कैंपेन को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि लोगों को पॉलिटिक्स में मैच्योर लोग पसंद है। कुछ देर बाद चार्ली उसे लेने आता है, दोनों किसी बिल्डिंग में आते हैं जहां इलेक्शन के आ रहे थे, और कुछ देर में ही सब समझ जाते हैं डेविड बुरी तरह हार गया है। वो काफी निराश होकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अपनी स्पीच की तैयारी करनी थी। वो बाथरूम में आकर पहले आवाज देता है कि बाथरूम खाली तो है, फिर अपने स्पीच की तैयारी करने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे टॉयलेट में कुछ आवाज आती है और वहाँ से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। डेविड उसे देखकर हैरान था क्योंकि ये जेंट्स बाथरूम था। वो डेविड से माफी मांगती है उसकी बातें सुनने के लिए। वो बताती है कि वो यहाँ गार्ड से छुप रही है क्योंकि वो ऊपर चल रही शादी में जबरदस्ती घुस गई थी, क्योंकि उसने ऐसा करने खुद को डेर दिया था। यहाँ दोनों बातें करने लगते हैं। उसे समझ में आ गया था डेविड इलेक्शन में खड़ा है और वो हार रहा है। उसने डेविड की अखबार में फोटो भी देखी थी जिसमें वो बार में मस्ती कर रहा था। उसके मुताबिक दोस्तों के साथ इंजॉय करने में कुछ गलत नहीं है। वो अपना नाम एलिस बताती है। वो कुछ ऐसी बातें करती है जिससे डेविड को लगता है जैसे एलिस उसे बहुत पहले से जानती है। कुछ बातें करने के बाद अचानक दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। डेविड को समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है, लेकिन तभी चार्ली उसे बुलाने आ जाता है और एलिस बाहर आ जाती है। डेविड उसके पीछे जाकर उसे आवाज देता है। वहाँ गार्ड भी आ गए थे, इसीलिए एलिस उसकी टाई ढीली करके वहाँ से भाग जाती है। चार्ली उससे इस बारे में पूछता है, लेकिन डेविड को भी कुछ पता नहीं था कि अभी हुआ क्या। फिर वो अपनी स्पीच देने आता है और टिपिकल पॉलिटिशियंस की तरह स्पीच देता है। लोग उसे चेयर भी करते हैं, लेकिन अचानक डेविड रुक जाता है और अपनी मन की बात कहने लगता है कि कैसे वोटर्स को भाने वो कपड़े पहनते हैं, कैसी टाई पहनते हैं, इवन जूते भी। वो अपना जूता हाथ में लिए बातें करने लगता है और उसकी ऐसी ही फोटोज छपती है। अब कहानी एक महीने आगे बढ़ती है। एक सुबह एक आदमी चेयर पर बैठे दूसरे आदमी के पास आता है। दोनों को हमने डेविड पर नजर रखते हुए पहले भी देखा था। उस आदमी का नाम हैरी है और दूसरे का रिचर्डसन। रिचर्डसन हैरी से कहता है उसे ठीक 7:05 पर अपने कपड़ों पर कॉफी गिरानी होगी। यहाँ हमें समझ में आता है वो डेविड की बात कर रहे हैं। हैरी कहता है उसके बाहर आते ही वो उसे देख लेगा। यहाँ हमें पता चलता है हैरी ने बहुत टाइम से डेविड पर नजर रखी है। फिर हम डेविड को देखते हैं, वो तैयार हो रहा था। न्यूज से पता चलता है डेविड अब चार्ली के साथ काम करता है और उसने जो स्पीच दी थी वो लोगों को इतनी पसंद आई कि वो अब अगले सेनेटर के इलेक्शन के लिए फ्रंट रनर बन चुका है। डेविड भी ये न्यूज देख रहा था। फिर उसे चार्ली का कॉल आता है। कुछ मजाक करने के बाद वो उसे जल्दी ऑफिस आने कहता है। फिर डेविड ऑफिस जाने बाहर आता है। रोड पर कई लोग उसकी स्पीच की तारीफ करते हैं। उसी समय हैरी बेंच पर सो रहा था और अभी 7:05 हो रहे थे। सूरज की रोशनी पड़ने पर हैरी की नींद खुलती है। उठते ही वो एक डायरी निकाल कर देखता है और पलट कर देखने पर उसे डेविड बस में चढ़ते हुए दिखाई देता है। वो तुरंत बस की तरफ भागता है। डेविड बस में से उसे देखता भी है, लेकिन ड्राइवर बस नहीं रोकता। जब डेविड बस के अंदर आता है उसे सामने एलिस सीट पर सोई हुई दिखाई देती है। इस तरफ हैरी अभी तक बस के पीछे भाग रहा था। डेविड जाकर एलिस के पास बैठ जाता है। एलिस जागती है और दोनों एक
दूसरे से फिर से मिलकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ फिर दोनों में प्यारी प्यारी बातें होने लगती है। इस तरफ हैरी अभी तक बस का पीछा कर रहा था, वही बस में एलिस डेविड को फिर से इलेक्शन में खड़ा होने बोल रही थी। इस तरफ ट्रैफिक की वजह से हैरी को रुकना पड़ता है। वो अपना हाथ हवा में उठाता है और वही बस में डेविड की कॉफी गिर जाती है। एज एन व्यूअर ये हमें काफी अजीब लगता है। वही हैरी को एक टैक्सी उड़ा देती है लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आती। वो तुरंत अपनी डायरी देखता है जो किसी GPS जैसा डिवाइस लग रही थी। वही बस आगे निकल जाती है। बस के अंदर अभी भी दोनों की नोकझोंक चल रही थी। साथ ही एलिस शरारत करते हुए डेविड का फोन कॉफी में डाल देती है। फिर एलिस अपना नंबर एक कार्ड पर लिखकर उसे देती है। उसका स्टॉप आ गया था, वो उतर जाती है। डेविड उसे कहता है इलेक्शन के बाद से वो उसके बारे में ही सोच रहा था। एलिस मुस्कुराकर चली जाती है। फिर डेविड को चार्ली का कॉल आता है, वो उसे एलिस के बारे में बताता है। फिर चार्ली उससे कहता है आज जो वो डील करने वाले है उसे वो पसंद नहीं, लेकिन डेविड के मुताबिक वो बहुत बढ़िया डील है, भले से ही उसमें थोड़ा रिस्क है लेकिन डेविड आकर उसे कन्विंस कर लेगा। फिर डेविड अपने ऑफिस में आता है और रिसेप्शनिस्ट और बाकी स्टाफ को ग्रीट करते हुए आगे जाता है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देता। डेविड जैसे ही मीटिंग रूम में आता है वहाँ कुछ लोग थे, चार्ली फ्रीज था और वो लोग उसके साथ कुछ कर रहे थे। डेविड उन पर चिल्लाता है। रिचर्डसन उसे वहाँ देखकर एकदम हैरान था, वो उसे पकड़ने कहता है। लोग उसे पकड़ने भागते हैं। डेविड वहाँ से भाग रहा था तब डेविड देखता है पूरा ऑफिस ही फ्रीज हो चुका है। वो उसके सामने आ जाते हैं। जब वो ऊपर जाता है रिचर्डसन उसके सामने था, जब वो दूसरी तरफ जाता है तब भी रिचर्डसन उसके सामने ही था। वो खुद को चार्ली के केबिन में लॉक कर लेता है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन फोन भी काम नहीं करता। वो लोग दूसरे दरवाजे से आकर उसे पकड़ लेते हैं और हैरी उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है वो किसी बड़ी सी पार्किंग में था। इस तरफ रिचर्डसन को कोई फोन पर सुना रहा था। वो अपने साथ वाले आदमी से कहता है उन्हें अब सिचुएशन को संभालने के लिए डेविड को रीसेट करना होगा। रीसेट करने के लिए वो कोई ब्रीफकेस मंगवाता है। ये सुनकर हैरी खुश नजर नहीं आता। तभी वहाँ उसका सीनियर आकर बताता है चेयरमैन ब्रीफकेस को अप्रूव नहीं करते, ये रिचर्डसन की गलती थी इसीलिए अब उसे ही ये संभालना होगा। लेकिन रिचर्डसन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तब वो कहता है वो डेविड से झूठ बोले लेकिन वो फाइल दिखाते हुए कहता है डेविड ये कभी नहीं मानेगा, वो जिंदगी भर इन सब का जवाब ढूंढता रहेगा और उन्हें हमेशा उस पर नजर रखनी पड़ेगी। आप लोगों को भी डेविड के जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन कुछ देर में समझ में आ जाएगा। डेविड उन लोगों से पूछता है आखिर वो है कौन। तब रिचर्डसन उसके पास आकर कहता है हम वो लोग है जो ध्यान रखते है चीजें प्लान के मुताबिक हो। लेकिन ये सुनकर डेविड भागने लगता है। तब रिचर्डसन अपना हाथ हवा में उठाता है और फ्लोर ऊपर आने से डेविड गिर जाता है। वो उसे उठाकर फिर से कुर्सी पर बैठा देते हैं। रिचर्डसन कहता है वो उसका दिमाग पढ़ सकता है और उसे कलर और नंबर चुनने कहता है और उसका जवाब भी सही देता है। डेविड उसे पूछता है ये सब हो क्या रहा है। रिचर्डसन बताता है जो उसने पर्दे के पीछे का सीन देखा वो उसे नहीं देखना चाहिए था लेकिन इसमें उसकी गलती नहीं है। आज सुबह उसका प्लान एडजस्ट किया जाना था। ठीक 7:05 पर उसे अपनी कॉफी गिरानी थी जो काम हैरी का था। फिर वो अपने कपड़े बदलने वापस जाता और काम पर 10 लेट पहुंचता। तब तक वो अपना काम करके जा चुके होते। वो आगे बताता है ये जो छोटी छोटी चीजें होती है जैसे कॉफी गिराना, अपनी चाबियां रखकर भूल जाना, अपना फोन भूल जाना, लोग सोचते हैं ये इत्तेफाक है लेकिन कभी कभी ये वो लोग होते हैं ताकि वो इंसान अपने प्लान पर चलता रहे और जब ये चीजें काफी नहीं होती तब वो उस आदमी के थॉट बदल देते हैं जैसा वो डेविड के दोस्त चार्ली के साथ कर रहे थे। फिर वो डेविड को धमकी देता है क्योंकि दुनिया में बहुत कम इंसान है जिन्होंने वो देखा है जो डेविड ने देखा है, इसलिए अगर डेविड ने कभी उनके बारे में बात की या किसी को भी उनके वजूद के बारे में बताया तो वो उसे रीसेट करके उसका ब्रेन इरेज कर देंगे जिससे वो पागल हो जाएगा और कभी कुछ सोच नहीं पाएगा। अब डेविड के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। और इतना ही नहीं, रिचर्डसन को ये भी पता था वो आज सुबह बस में एलिस से मिला था और वो चाहते है कि डेविड उससे दोबारा ना मिले। डेविड को समझ नहीं आता इससे एलिस का क्या लेना देना, लेकिन रिचर्डसन नहीं मानता और डेविड के वॉलेट से एलिस का नंबर निकाल कर जला देता है और डेविड कुछ नहीं कर पाता। फिर वो उसे उठाकर एक दरवाजे के अंदर फेंक देते हैं। ये चार्ली का ऑफिस था। तभी वहाँ चार्ली आता है क्योंकि वो उसे मीटिंग के लिए ढूंढ रहा था। डेविड उस दरवाजे को खोलकर देखता है लेकिन वहाँ अब कोई पार्किंग नहीं थी। वो फिर ट्राई करता है लेकिन कुछ नहीं होता। फिर चार्ली उसे मीटिंग की तरफ ले जाता है। डेविड हैरानी से सभी को देख रहा था क्योंकि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था, कोई फ्रीज नहीं था। साथ ही वो बार बार चार्ली से पूछ रहा था
वो ठीक तो है लेकिन चार्ली को कुछ याद नहीं था। फिर वो लोग मीटिंग में आते हैं जहाँ चार्ली उस डील के लिए मान जाता है जिस डील के कुछ देर पहले वो खिलाफ था। डेविड उसे हैरानी से देखता है और उसे समझ में आता है ये कोई सपना नहीं है। डेविड अभी भी सभी स्टाफ को देख रहा था क्योंकि किसी को कुछ याद नहीं था। चार्ली उससे पूछता है आज वो ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। डेविड को लगता है वो चार्ली को सब बता दे लेकिन फिर उससे कहता है उससे एलिस का नंबर खो गया और अब वो उससे कभी मिल नहीं पाएगा क्योंकि उसे एलिस का पूरा नाम तक नहीं पता। दूसरी तरफ एक बड़े से ऑफिस में हैरी गुमसुम बैठा था, फिर वो कहीं चला जाता है। इस तरफ एक बार में डेविड एलिस का नंबर याद करने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ हैरी आता है। वो कहता है अगर उसे नंबर याद भी होता तब भी वो उसे फोन नहीं कर पाता क्योंकि वो कभी उसे एलिस से कॉन्टेक्ट नहीं करने देंगे। यहाँ डेविड को गुस्सा आ जाता है, वो लोगों को फ्रीज करने और उनके थॉट बदलने के लिए हैरी पर चिल्लाने लगता है लेकिन हैरी उसे शांत रहने कहता है। वो बताता है लोगों के थॉट बदलने से उन्हें कुछ नहीं होता, बस उनकी सोच में थोड़ा बदलाव आता है और इसके लिए भी उन्हें चेयरमैन से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन ये चेयरमैन है कौन? हैरी उसे शांत करके बताता है चेयरमैन एक नाम है जो वो लोग लेते हैं लेकिन इंसान उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। लेकिन वो यहाँ ज्यादा बात नहीं कर सकते थे इसीलिए हैरी उसे किसी बोट पर बुलाता है और उसे फिर से याद दिलाता है अगर उसने उन लोगों के बारे में किसी को बताया तो वो उसे रीसेट कर देंगे। फिर डेविड एक बोट पर आता है जहाँ हैरी उसका इंतजार कर रहा था। डेविड उससे पूछता है वो लोग चार्ली के साथ क्या कर रहे थे। हैरी बताता है वो बस उसके थॉट बदल रहे थे जिससे उसकी कंपनी उस दिशा में जाएगी जिस दिशा में चेयरमैन मतलब ऊपर वाला चाहता है। फिर डेविड पूछता है क्या रिचर्डसन उसका दिमाग पढ़ सकता है क्योंकि उसने नंबर और कलर सही बताए थे। लेकिन हैरी कहता है वो बस उसे डराने की कोशिश कर रहा था। दरअसल वो लोग इंसानों के बीच इतने समय से है कि वो अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी चॉइस क्या है, कब इंसान अपने प्लान से हटने वाला है। अब आप लोगों को बता दूं यहाँ चेयरमैन का मतलब है गॉड, ईश्वर, भगवान, चाहे आप उसे किसी भी नाम से पुकारे, और प्लान का मतलब है किस्मत। डेविड उससे पूछता है वो उसे ये सब क्यों बता रहा है, शायद वो उसका पीछा कर रहे हो। हैरी कहता है उन्हें पूरे संसार को मॉनिटर करना पड़ता है, उनके पास इतना मैन पावर नहीं है कि वो हमेशा एक ही आदमी का पीछा करे। और पानी की कुछ खास बात है, पानी उनकी क्षमता को रोक देता है, मतलब जब वो पानी के आसपास होते हैं या बारिश हो रही होती है तब वो उन्हें देख नहीं सकते कि वो प्लान में कहां जा रहे हैं। तब डेविड एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछता है, वो हैरी से पूछता है क्या वो एक एंजल है। तब हैरी कहता है हाँ उसे ये कहा गया है लेकिन वो बस केस ऑफिसर की तरह है जो इंसानों से ज्यादा जीते है, यही कोई 5-6 हजार साल ज्यादा। लेकिन हैरी उसकी मदद क्यों कर रहा है? हैरी कहता है उसके कुछ पर्सनल रीजन है और वो लोग उसे एलिस से मिलने क्यों नहीं देते। लेकिन हैरी को बस इतना ही पता था अगर वो इतनी कोशिश कर रहे हैं दोनों को दूर रखने के लिए तो ये उनके लिए जरूरी ही होगा। लेकिन हैरी को पता है डेविड एलिस को जरूर ढूंढेगा लेकिन वो कहता है वो उसे कभी नहीं मिलेगी अगर एडजस्टमेंट ब्यूरो वाले कोशिश ना भी करे, तब भी इस शहर में 1 करोड़ से भी ऊपर लोग रहते हैं, वो कभी उसे ढूंढ नहीं पाएगा, इसीलिए उसे एलिस को भूल जाना चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अब कहानी 3 साल आगे बढ़ती है, हम डेविड को देखते हैं जो अब तक एलिस को भूल नहीं पाया था। वो उठता है, बिल्डिंग से बाहर निकलता है, वो रोज उसी रास्ते जाता, यहाँ तक कि रोज उसी बस में जाता जिसमें उसे एलिस मिली थी और रोज उम्मीद से उस सीट को देखता जिस पर 3 साल पहले एलिस बैठी थी। लेकिन रोज उसे वो सीट खाली मिलती है लेकिन आज कुछ खास बात थी क्योंकि हैरानी की बात थी एलिस उसे रोड पर जाते हुए दिख जाती है। डेविड तुरंत बस रुकवाकर उसके पीछे जाता है और तुरंत एलिस के पीछे जाकर उसे आवाज देता है। एलिस उसे 3 साल बाद देखकर एकदम हैरान थी। वो बताता है वो 3 साल से रोज उसी बस से जाता है इस उम्मीद में कि कभी तो वो उससे मिल पाएगा। डेविड बहुत एक्साइटेड था, वो एलिस को कहीं चलकर बात करने कहता है, साथ ही वो अपने आसपास भी देख रहा था। तभी उसे फोन आता है लेकिन वो चार्ली को अपनी स्पीच कैंसिल करने कहता है लेकिन एलिस उससे नाराज थी क्योंकि उसे लग रहा था वो उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए डेविड ने उसे कॉल नहीं किया। लेकिन डेविड उसे कम से कम वॉक पर चलने कहता है। फिर वो एलिस से डायरेक्टली पूछता है क्या उसकी शादी हुई या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन एलिस डायरेक्ट उसे बताती है वो सिंगल है। फिर वो उससे पूछती है उसने उसे कॉल क्यों नहीं किया। तब डेविड उससे बहाना बनाता है उसका नंबर खो गया था क्योंकि किसी ने उसका वॉलेट चुरा लिया था। फिर भी एलिस मान नहीं रही थी। तब डेविड अपने मरे हुए माँ बाप की कसम खाता है कि उसके पास उसका नंबर ही नहीं था, साथ ही उसके पास एलिस का सरनेम भी नहीं था क्योंकि एलिस नाम लिखने पर गूगल किया जाए तो 7,57,000 रिजल्ट आएंगे जिनमें वो नहीं है, मतलब उसने सब रिजल्ट चेक किए थे। तब जाकर एलिस उस पर यकीन करती है। लेकिन दूसरी तरफ रिचर्डसन को पता चलता है डेविड अपने प्लान से हट गया क्योंकि उसे एलिस मिल गई है, लेकिन ये सब एक चांस था, उसने बस एलिस को रोड पर देख
देख लिया। फिर वो उनके पास जाने निकलता है। रास्ते में वो हैरी को सुनाता है कि वो उसकी 3 साल पहले की गलती अभी तक भोग रहा है। वो एक दरवाजा खोलते हैं और वहाँ आ जाते हैं जहाँ एलिस और डेविड आए थे। रिचर्डसन अपने साथ वाले आदमी से कहता है कि वो एलिस के स्टूडियो की बिजली काट दे। इधर एलिस डेविड को बताती है कि वो एक बैलेट कंपनी में डांसर है। डेविड को उसकी परफॉर्मेंस देखनी थी। एलिस उसे बताती है कंपनी का नाम सीडर लेक है और कल रात वहाँ एक शो होने वाला है, अगर वो आना चाहे तो। इधर रिचर्डसन को ये 1 घंटे में खत्म करना था। उसके साथ वाला बताता है डेविड अपने प्लान से हट रहा है, लेकिन रिचर्डसन कहता है अगर अगले 36 घंटे उन दोनों के बीच बात नहीं हुई तो एलिस जिंदगी में फिर कभी डेविड से नहीं मिलेगी। इस तरफ डेविड अभी भी अपने आसपास देख रहा था। इधर रिचर्डसन एलिस की रिहर्सल की जगह बदल रहा था, वो डेविड के पीछे ही बैठे थे, लेकिन जब डेविड उन लोगों की तरफ देखता है दोनों उठ चुके थे। उसके साथ वाला बताता है अगर दोनों किस मतलब एक सच्ची किस कर लेते हैं तो डेविड उनके एडजस्टमेंट से बाहर हो जाएगा। इधर दोनों प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे लेकिन तभी वहाँ चार्ली आ जाता है। उसे यहाँ देखकर डेविड हैरान था, लेकिन चार्ली कुछ साफ साफ नहीं बताता। आपको बताने की तो जरूरत नहीं ये किसका काम था। चार्ली उसे चलने बोल रहा था क्योंकि लोग उसके अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे, क्योंकि आज वो अनाउंस करने वाले है कि डेविड फिर से सेनेटर का इलेक्शन लड़ने वाला है। लेकिन वो एलिस के लिए अपनी अनाउंसमेंट पोस्टपोन करने तैयार था, लेकिन ये सुनकर एलिस नहीं मानती और उसे जाने कहती है क्योंकि उसका रिहर्सल हॉल स्पीच की जगह से नजदीक ही है। एलिस के बोलने पर डेविड मान जाता है। चार्ली फोन पर बात कर रहा था, अब दोनों किस करने ही वाले थे। तभी रिचर्डसन अपनी उंगली करता है जिससे चार्ली को एक मैसेज आता है और वो दोनों को किस करने से पहले टोक देता है। इस तरफ रिचर्डसन रिलीफ होता है। डेविड एलिस से वादा करता है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। फिर डेविड चला जाता है। वो अपने स्पीच की जगह आता है, लोग उसे काफी पसंद करते हैं। उसके सामने ही एक बिल्डिंग की खिड़की से रिचर्डसन उसे देख रहा था। डेविड के पीछे ही एलिस का रिहर्सल हॉल था, लेकिन एलिस को मैसेज आता है उनके रिहर्सल की जगह बदलकर सीडर रेक में रख दी गई। एलिस परेशान हो जाती है क्योंकि उसने डेविड का नंबर नहीं लिया था और ना ही डेविड के पास उसका नंबर था। इस तरफ डेविड की स्पीच कामयाब रहती है, लेकिन डेविड देख लेता है सामने की खिड़की में रिचर्डसन खड़ा है। डेविड सब समझ जाता है, वो एलिस के पास जाने निकलता है। चार्ली उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसका इंटरव्यू था, लेकिन डेविड नहीं रुकता। वो उस हॉल के पास पहुंचता है लेकिन वहाँ लॉक लगा हुआ था। वो तुरंत कहीं फोन करके सीडर लेक डांस कंपनी का एड्रेस पूछता है, लेकिन उसका फोन कट जाता है। वो एक पार्किंग में जाकर उसका लैंडलाइन ट्राई करने जाता है, लेकिन रिचर्डसन ने उसे पहले ही काट दिया था। डेविड एक रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन रिचर्डसन ने 3 ब्लॉक तक सभी फोन काट दिए थे। कुछ देर बाद वो दोनों डेविड से मिलते हैं। डेविड कहता है वो ही उन्हें 3 बार साथ लाए है, लेकिन रिचर्डसन कहता है वो बस एक चांस था और वो उन्हें इसीलिए अलग करना चाहते हैं क्योंकि प्लान में यही लिखा है। लेकिन डेविड को प्लान की कोई परवाह नहीं थी, मगर रिचर्डसन कहता है प्लान चेयरमैन ने लिखा है और उसे इसकी इज्जत तो करनी ही पड़ेगी। डेविड कहता है अगर एलिस उसके लिए नहीं बनी तो उसे एलिस के लिए ऐसा महसूस क्यों होता है। लेकिन रिचर्डसन का जवाब कुछ खास नहीं था। तब डेविड समझ जाता है रिचर्डसन को भी नहीं मालूम उन्हें एक साथ क्यों नहीं होना चाहिए। रिचर्डसन को डेविड पर बहुत गुस्सा आता है। वही डेविड एक रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ बैठे लोगों से सीडर लेक का पता पूछता है और उनमें से एक को सीडर लेक डांस कंपनी का एड्रेस मालूम था। फिर डेविड बाहर आकर टैक्सी रुकवाने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्डसन कोई भी टैक्सी रुकने नहीं देता और ये बात डेविड को पता थी। वो कहता है वो कितनी भी मुश्किलें खड़ी कर दे लेकिन वो रुकने वाला नहीं। वो एक टैक्सी को रुकवा लेता है, लेकिन उसके रुकते ही दूसरी कार आकर उसे टक्कर मार देती है। डेविड दोनों ड्राइवर को जाकर देखता है, फिर एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करता है। वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस आ गई थी, लेकिन एक पुलिस वाले ने उसे बहुत देर से रोक रखा था, वो उसे जाने ही नहीं दे रहा था। लेकिन डेविड को समझ में आता है ये कोई पुलिस वाला नहीं है बल्कि उनमें से एक है। वो तुरंत दूसरी पुलिस वाली के पास जाता है, वो उसे जाने देती है और वो पुलिस वाला गायब हो गया था। डेविड जाकर एक टैक्सी रुका लेता है और उसे $100 देकर जल्दी चलने कहता है। ट्रैफिक सिग्नल रेड था, लेकिन डेविड उसे सिग्नल तोड़ने कहता है। इस तरफ रिचर्डसन उसका पीछा कर रहा था। वो एक दरवाजे के अंदर जाते हैं, लेकिन जब एक औरत वहाँ जाती है वहाँ कुछ नहीं था। वो अभी भी डेविड से पहले पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। उसके साथ वाला बताता है अगर उसने एलिस को डांस करते हुए देख लिया तो वो उनके लिमिट से बाहर चला जाएगा। लेकिन डेविड सीडर लेक पहुँच गया था। रिचर्डसन अंदर का दरवाजा ब्लॉक करने अपना हाथ उठाता है, लेकिन तभी उसकी हेड गिर जाती है और उनके अंदर आते तक डेविड एलिस को देख लेता है। रिचर्डसन डेविड से कहता है अब उसकी जगह कोई और आएगा और उसे पता नहीं उसका पाला किन लोगों से पड़ा है। लेकिन डेविड को कोई परवाह नहीं थी। फिर रिचर्डसन अपने बड़े से ऑफिस में आता है। फिर उसका
सीनियर उसे कहीं लेकर आता है जहां वो पहले कभी नहीं आया था, जहां उसे पता चलता है डेविड और एलिस का प्लान में मिलना लिखा ही था। लेकिन 2005 में प्लान बदल गया। अब उनके पुराने प्लान के अंश की वजह से उन दोनों को लगता है वो एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन नए प्लान के मुताबिक ऐसा नहीं है। फिर रिचर्डसन हैरी को बताता है ये उसकी गलती नहीं है, उन दोनों को मिलना ही था प्लान के पुराने वर्जन के मुताबिक। हैरी को समझ नहीं आता एक प्लान ऐसे कैसे बदल सकता है, लेकिन रिचर्डसन को कोई आइडिया नहीं था क्योंकि ये उसके हैसियत से ऊपर है। इस तरफ उनके सीनियर चाहते हैं कि दोनों अपने प्लान के मुताबिक ही चले, जिसके लिए दोनों को अलग करना होगा। इसीलिए वो थॉमसन नाम के आदमी को बुलाते हैं जो इस छोटे से रोमांस को खत्म कर देगा। दूसरी तरफ दोनों साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। फिर वो एक पब में जाते हैं, वहाँ दोनों साथ में डांस करते हैं। वहाँ से निकलने के बाद डेविड उसे बताता है कैसे उसकी माँ बाद में उसके भाई की मौत हुई, उसे जेएफकी को देखकर पॉलिटिक्स में आने की प्रेरणा मिली और कुछ दिन बाद उसके पिता की भी मौत हो गई। फिर दोनों पैशनेट किस करते हैं और उसके बाद यामाकाटा। लेकिन उनके सोने के बाद वहाँ उन्हें कोई देख रहा था, ये थॉमसन है। अगली सुबह जब एलिस उठती है वहाँ डेविड नहीं था। एलिस उसे आवाज भी देती है और तुरंत ही उसे कोई कॉल आता है, ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल था जो उसे फिर से पैचअप करने बोल रहा था। तभी वहाँ कॉफी लेकर डेविड आता है। एलिस किसी तरह उसका फोन रख देती है। एलिस उसे बताती है उसे बहुत अजीब लगा, वो उठी तो डेविड यहाँ नहीं था और अचानक उसका एक्स उसे फोन करके पैचअप करने बोलने लगा, यहाँ तक कि उसने 4 बार कॉल किया। ये सुनते ही डेविड समझ जाता है ये काम एडजस्टमेंट ब्यूरो का है। फिर डेविड एलिस से पिछले रिश्ते के बारे में पूछता है। वो बताती है वो एक अच्छा लड़का था, एक अच्छा कोरियोग्राफर, उनका रिलेशन भी ठीक ही था, लेकिन एक दिन उसने शादी के लिए पूछा। तब एलिस उसे हाँ नहीं बोल पाई क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता था डेविड उससे जरूर मिलेगा, क्योंकि वो भी डेविड के लिए वैसा ही महसूस करती है जैसा डेविड उसके लिए फील करता है। ये जानकर डेविड काफी खुश होता है। अब वो एलिस को अपने से दूर नहीं करना चाहता था। आज उसका टीवी पर इंटरव्यू आने वाला था, डेविड उसे भी अपने साथ चलने कहता है। बाद में उसका इंटरव्यू हो रहा था और एलिस उसका वेट कर रही थी, तभी वहाँ एक आदमी आकर उसे बताता है डेविड को किसी मीटिंग में जाना पड़ा और वो उसे परफॉर्मेंस में मिलेगा। एलिस को काफी बुरा लगता है और वो चली जाती है। डेविड के फ्री होने पर एक आदमी उसे कहीं लेकर जाता है, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो उसी पार्किंग में था। डेविड के पहुंचने से पहले वो दरवाजा बंद कर देता है। डेविड वहां से निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सारे दरवाजे बंद थे। फिर वो वही बैठ जाता है। फिर वहां थॉमसन आता है। डेविड उससे पूछता है उसकी फ्री विल का क्या हुआ, लेकिन थॉमसन कहता है उन्होंने इंसानों को फ्री विल दी, उन्हें शिकारियों से रोमन एम्पायर तक पहुंचाया। फिर वो पीछे हट गए, लेकिन उनके जाते ही इंसान 5 सदियों तक लड़ते रहे। फिर वो वापस आए, चेयरमैन को लगा उन्हें कुछ बेहतर काम करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने इंसानों को साइंस एवोल्यूशन दिया। 600 साल तक उन्हें मतलब इंसानों को सिखाने के बाद वो 1910 में फिर से पीछे हट गए। लेकिन इंसानों ने क्या किया, 50 साल के अंदर ही 2 वर्ल्ड वॉर दे दिए। साथ ही इंसानों ने परमाणु बम बनाकर धरती को खतरे में डाल दिया, इसीलिए उन्हें फिर से वापस आना पड़ा। अब इंसानों के पास फ्री विल नहीं है, बस फ्री विल का दिखावा है। ये सब छोड़कर डेविड पूछता है वो एलिस के साथ क्यों नहीं रह सकता। थॉमसन बताता है 3 साल पहले उसका एलिस से बाथरूम में मिलना इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये उन्होंने किया था। उन्हें पता था एलिस डेविड को इंस्पायर करेगी उस स्पीच के लिए जिसके बाद वो सेनेट के इलेक्शन में फर्स्ट रनर बनेगा। डेविड को समझ में आता है वो चाहते है वो इलेक्शन जीते। थॉमसन बताता है बस ये इलेक्शन नहीं बल्कि इसके बाद 4 और, मतलब वो लोग डेविड को प्रेसिडेंट बनाना चाहते है। वो कहता है डेविड दुनिया बदल सकता है, लेकिन ये नहीं होगा अगर एलिस उसके साथ रही। लेकिन डेविड को समझ नहीं आता वो किससे प्यार करता है, इससे उन्हें क्या। लेकिन थॉमसन कहता है ये उस लड़की के लिए नहीं है बल्कि उसके लिए है, अगर वो एलिस के साथ रहा तो उस पर बुरा असर होगा। लेकिन डेविड को हमेशा एलिस के साथ अच्छा ही लगा है। लेकिन थॉमसन कहता है कम मात्रा में एलिस दवा थी, लेकिन ज्यादा मात्रा में वो उस पर बुरा असर डालेगी। लेकिन डेविड फिर भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे कोई परवाह नहीं थी कि आगे क्या होगा, अगर उसे प्रेसिडेंट बनने और एलिस में से किसी को चुनना ही है तो वो एलिस को चुनता है, क्योंकि जो वो एलिस के लिए फील करता है वो कभी बदलेगा नहीं। ये सुनकर थॉमसन कुछ सोचने के बाद उसे जाने देता है। डेविड तुरंत एलिस के शो के लिए निकलता है और कुछ देर बाद वहाँ पहुँच जाता है। वो एलिस को डांस करते हुए देखता है, लेकिन वहाँ फिर से थॉमसन आता है। तब वो बताता है अगर वो दोनों साथ में रहे तो ना ही सिर्फ डेविड के सपने तबाह होंगे बल्कि एलिस के भी होंगे, वो एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी कोरियोग्राफर बनेगी। लेकिन डेविड उसके साथ रहा तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, और डेविड से कहता है वो जब पीछे मुड़कर देखेगा तब याद रखे उन्होंने उसे समझाने की
कोशिश की थी और जाते जाते उसे यकीन दिलाने वो एलिस को गिरा देता है। डेविड तुरंत उसकी तरफ भागता है और उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। एलिस का MRI हो रहा था तब वहाँ फिर थॉमसन आता है और एलिस की इस हालत का जिम्मेदार डेविड को ही ठहराता है, लेकिन डेविड उसे एक पंच मार देता है। लेकिन थॉमसन कहता है वो हमेशा ऐसा ही करता है, उन्होंने उसे वो मौके दिए जिसके लिए लोग लड़ मरते हैं, लेकिन उसने उन मौकों को इमोशनल होकर गवा दिया। वो कहता है फिलहाल एलिस को सिर्फ मोच आई है, लेकिन अगर वो एलिस के साथ रहा तो वो एलिस से उसका पैशन, उसके सपने, सब कुछ छीन लेगा। इतना कहकर थॉमसन चला जाता है और डेविड वही सोचते हुए बैठ जाता है। कुछ देर बाद वो एलिस से मिलता है और बात करते करते उसे गले लगा लेता है, जैसे उससे आखिरी बार मिल रहा हो। फिर कुछ काम से बाहर जाता है और अपने प्यार की खुशी, मतलब एलिस की खुशी के लिए उसे हॉस्पिटल में छोड़कर रोते हुए चला जाता है। इस तरफ हैरी को पता चलता है थॉमसन ने काम कर दिया, लेकिन हैरी को ये बहुत गलत लग रहा था। लेकिन रिचर्डसन उसे समझाता है इस बात को वो दिल पे ना ले, क्योंकि उनके पास प्लान का बहुत छोटा हिस्सा होता है, असली प्लान चेयरमैन के पास है। इस तरफ एलिस रोते हुए हॉस्पिटल में डेविड का इंतजार करते रह जाती है, लेकिन डेविड नहीं आता, उसकी फ्रेंड उसे आकर ले जाती है। अब कहानी 3 महीने आगे बढ़ती है। डेविड का इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, क्योंकि अभी इलेक्शन में 1 महीना बचा है। चार्ली न्यूज में देखता है डेविड अपने ओपोनेंट से 16 पॉइंट आगे चल रहा है। कुछ देर बाद चार्ली उसे पेपर दिखाता है जिसमें एलिस की न्यूज छपी थी। अब वो काफी बड़ी डांसर बन चुकी है, लेकिन वो किसी के साथ शादी कर रही थी। डेविड को ये देखकर काफी बुरा लगता है। चार्ली उसे एलिस को बुलाने कहता है क्योंकि वो 16 पॉइंट ऊपर चल रहे है। डेविड भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और वहाँ से चला जाता है। ये न्यूज हैरी को भी पता चलती है। फिर डेविड वहाँ आता है जहाँ उसने एलिस को किस किया था। वहाँ से बाहर जाता है। उसके अंदर जाते ही हैरी बाहर निकलता है। अंदर बार टेंडर उसे एक नोट देती है। फिर डेविड उस जगह जाता है। कुछ देर बाद वहाँ बारिश में हैरी आता है। तब हैरी उसे बताता है थॉमसन झूठ बोल रहा था कि डेविड एलिस के साथ लापरवाह हो जाता है। डेविड को समझ नहीं आता फिर वो उन्हें अलग क्यों करना चाहते हैं। हैरी कहता है क्योंकि अगर उसने एलिस को पा लिया तो प्रेसिडेंट बनने का सपना उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखेगा। ये जरूरी है, लेकिन हैरी के मुताबिक और भी चीजें जरूरी है। डेविड पूछता है वो उन लोगों से इतना अलग क्यों है। तब हैरी बताता है जब से डेविड पैदा हुआ है तब से वो उसके पीछे है। उसके डैड और भाई बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी प्लान में जगह नहीं थी, मतलब उसे उन्हें मारना पड़ा। लेकिन उसकी मॉम का मरना बस एक चांस था। डेविड कहता है वो 16 पॉइंट ऊपर चल रहा है, अभी से लोग उसके प्रेसिडेंट बनने की बातें कर रहे हैं, लेकिन एलिस से मिलने से पहले उसे इन सब की परवाह थी, लेकिन अब वो इस बारे में सोचता तक नहीं। वो एलिस को भुला नहीं सकता। वो हैरी से पूछता है वो कहाँ शादी कर रही है। हैरी को पता है, लेकिन एलिस खुश नहीं है। अब डेविड को उसे पाने की कोशिश करनी थी, लेकिन उन्हें बहुत पहले ही पता चल जाएगा। इसीलिए डेविड हैरी की मदद मांगता है ताकि वो उन दरवाजों का इस्तेमाल कर सके। हैरी मान जाता है। वो बताता है अभी बारिश ही उन्हें डेविड को देखने से रोक रही है। उसे दरवाजों के बारे में सिखाने में पूरी रात लगेगी। फिर वो बताता है उसे दरवाजे के हैंडल राइट साइड में घुमाने हैं, लेफ्ट साइड में वो कभी ना घुमाए क्योंकि ये बस उन लोगों के लिए है। फिर हैरी उसे अपना हाथ उसके कंधे पर रखने कहता है और एक दरवाजा खोलते ही वो किसी म्यूजियम के अंदर थे। आगे जाने के बाद हैरी एक और दरवाजा खोलता है और वो किसी सबवे के अंदर खुलता है। यहाँ से कोर्ट हाउस ज्यादा दूर नहीं था जहाँ कल एलिस करने वाली है। फिर हैरी उसे वही रुकने बोलकर एक दरवाजे का हैंडल लेफ्ट साइड में घुमाकर अंदर जाता है। इस तरफ एलिस अपने स्टूडियो में जाती है और वहाँ डांस करने लगती है। दूसरी तरफ हैरी एक बैग लेकर आता है। डेविड को कोर्ट रूम नंबर 300 में जाना है। फिर हैरी उसे उन दरवाजों की फोटोज दिखाता है, लेकिन कोर्ट रूम पहुंचने के लिए उसे बहुत सारे दरवाजों से गुजरना होगा। ये एकदम जिगजैग था, लेकिन जब भी वो उन दरवाजों के अंदर होगा उनकी प्लान बुक उसे ढूंढ नहीं पाएगी। साथ ही उसे समझाता है जिस पल उसने पहला दरवाजा पार किया उस समय कयामत आ जाएगी, क्योंकि ऐसा आज तक नहीं हुआ। हर हैट पहना आदमी थॉमसन का ही होगा। यहाँ पता चलता है वो लोग भी बिना हैट के दरवाजे से गुजर नहीं सकते, क्योंकि चेयरमैन इसी तरह उनकी पावर को कंट्रोल में रखते हैं, साथ ही पानी से भी। डेविड को एक नीला दरवाजा मिलता है जिससे वो सबसे तेज पहुंचेगा, लेकिन वो पूरे रास्ते एक्सपोज रहेगा और ये बहुत ज्यादा रिस्की है। या हैरी उसके फादर का जिक्र करता है। डेविड कहता है वो लोग जिन पर नजर रखते हैं उन्हें उनके लिए कुछ महसूस करने की इजाजत नहीं है, ये रूल है। लेकिन हैरी कहता है उन्हें उनकी भावनाओं पर चलने के लिए नहीं बनाया गया, लेकिन उनके पास भावनाएं है, बस कुछ में दूसरों से ज्यादा है। अब सुबह
गई थी, साथ ही बारिश भी हो रही थी। शादी के लिए 10 मिनट है। इस तरफ एलिस का मंगेतर और एलिस कोर्ट पहुंच गए थे। डेविड और हैरी दरवाजे के पास आते हैं। डेविड कहता है वो नीले दरवाजे से ही जाएगा। हैरी को ये पता था, वो अपनी हैट उसे देकर गुड लक करता है। फिर डेविड दरवाजा खोलते ही भागना शुरू करता है। वो काफी देर तक दौड़ता है। ये बात थॉमसन को पता चलती है, वो भी तुरंत निकलता है। कोर्ट में एलिस अपने मंगेतर से मिलती है। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो बाथरूम जाती है। इस तरफ डेविड दौड़ते हुए नीले दरवाजे तक पहुंचता है, जहां ये सीन बहुत बढ़िया था। लेकिन थॉमसन को पता चलता है डेविड ने उनके दरवाजों का इस्तेमाल किया है और शायद उसने हैट पहनी है, तो वो और जल्दी करता है। इधर डेविड तुरंत कोर्ट पहुंचता है, लेकिन किसी से टकरा जाता है। ऊपर कोर्ट रूम में उनकी शादी का नंबर आने वाला था। उसका मंगेतर एलिस को लाने उसकी दोस्त को भेजता है। डेविड तुरंत अपनी चेकिंग करवाता है, फिर कोर्ट रूम नंबर 300 को ढूंढने लगता है। थॉमसन भी अपने आदमियों के साथ कोर्ट पहुंच गया था। डेविड कोर्ट रूम 300 के पास जाता है, लेकिन बाहर उसकी फ्रेंड बताती है वो वॉशरूम में है। डेविड वहां जाता है। उसे देखकर एलिस एकदम हैरान थी। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन एलिस उससे बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि वो उसे हॉस्पिटल में छोड़कर चला गया था। तभी वहां एक आदमी आता है। डेविड उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है। ये देखकर एलिस डर जाती है। उसे लगता है डेविड ने कुछ गलत तो नहीं किया, इसीलिए वो उस आदमी के बुक उठाकर एलिस को समझाने की कोशिश करता है। इस बुक में लिखा है कि उन दोनों को मिलना नहीं चाहिए, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी कि आगे क्या होगा। लेकिन थॉमसन को पता चलता है डेविड ने उनका राज एलिस को बता दिया, इसीलिए वो उसे रीसेट करने ब्रीफकेस मंगवाने कहता है। इधर चेयरमैन के पास डेविड को रीसेट करने की रिक्वेस्ट पहुंचती है। डेविड बाथरूम के डोर को ब्लॉक कर देता है। उसे समझ में आ गया था अब वो लोग उसे रीसेट करने वाले है। अब एलिस को यकीन दिलाने के लिए और वहां से भागने के लिए वो एलिस का हाथ पकड़कर टॉयलेट का एक दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजे की दूसरी तरफ एक स्टेडियम था। एलिस ये देखकर एकदम हैरान थी। फिर डेविड एक और दरवाजा खोलता है जिसकी दूसरी तरफ रोड थी। इस तरफ थॉमसन बाथरूम पहुंचता है और उन्हें उनकी लोकेशन मिल जाती है क्योंकि बारिश रुक गई थी। इस तरफ भागते भागते एलिस थक गई थी, लेकिन जब तक वो भागते रहेंगे तब तक साथ होंगे। थॉमसन भी वहां पहुंच गया था। इस तरफ डेविड एक और दरवाजा खोलता है जिससे वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नीचे थे। एलिस तो लगभग पागल ही हो गई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डेविड उसे बताता है अगर वो उसके साथ रहता तो उसके सपने कभी पूरे नहीं होते, इसीलिए वो उसे छोड़कर चला गया था। लेकिन अब उसे कोई परवाह नहीं थी। अगर उनका साथ होना प्लान के मुताबिक गलत है तो वो उसे ढूंढेगा जिसने प्लान लिखा है। डेविड उससे कहता है वो इस दरवाजे के अंदर जाएगा, फिर ना ही वो कभी उसे देख पाएगी ना ही उन लोगों को जो उनका पीछा कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो भागते रहेंगे तब तक साथ होंगे। कुछ सोचने के बाद एलिस भी उसका साथ देने तैयार हो जाती है। फिर दोनों भी दरवाजे का नॉक लेफ्ट साइड में घुमाते हैं। अब वो किसी बिल्डिंग के कॉरिडोर में थे। थॉमसन को पता चलता है वो कहाँ है, साथ ही हैरी को भी। दोनों चेयरमैन को ढूंढ रहे थे। कुछ लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेविड सबको धक्का देकर आगे भागता है। वहां थॉमसन भी पहुंचता है। दूसरी तरफ चेयरमैन के ऑफिस से हैरी को बुलावा आता है। इधर दोनों चेयरमैन को ढूंढ रहे थे, लेकिन दोनों तरफ से लोग आ रहे थे, इसीलिए दोनों वहां से भागते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। लेकिन दरवाजा खोलते ही वो किसी छत पर थे। वो उसी दरवाजे से वापस भागते हैं, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो वापस उसी छत पर आ जाते हैं। अब उनके पास भागने की कोई जगह नहीं थी और वो लोग उन्हें घेर लेते हैं। वो दोनों को रीसेट कर देंगे, इसीलिए दोनों किस करने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद एलिस देखती है अब वहाँ कोई नहीं है। कुछ देर बाद वहाँ थॉमसन आता है और डेविड को सुनाने लगता है, लेकिन तब वहाँ हैरी पहुंचता है। उसके पास थॉमसन के लिए एक मैसेज था, जिसे देखते ही थॉमसन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। डेविड को लगता है हैरी ही चेयरमैन है, लेकिन इस बात पर हैरी मुस्कुराते हुए मना कर देता है। वो कहता है ये एक किस्म का टेस्ट था। डेविड ने एलिस के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और एलिस ने भी जब वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के दरवाजे से आई। अब चेयरमैन का मानना है उनके बीच जो कुछ है वो प्लान से बढ़कर है, इसीलिए चेयरमैन ने प्लान फिर से लिखा है, वो भी उन दोनों के साथ। ये जानकर डेविड बहुत खुश होता है। फिर हैरी अपनी हैट वापस लेता है और दोनों को गुड लक बोलकर चला जाता है। फिर दोनों खुशी खुशी बाहर आते हैं। हैरी की आवाज आती है कि फ्री विल एक वरदान है, लेकिन लोग वही करते हैं जो वो उनसे करवाते हैं। लेकिन डेविड जैसे कुछ लोग होते हैं जो हालात से लड़कर अपना प्लान बदलवाते हैं, और शायद चेयरमैन का असली प्लान यही है कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखे। फिर रास्ते पर उन्हें हैरी दिखाई देता है और इसी के साथ ये मूवी भी यही खत्म होती है।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।